पति बोला, काम के लिए भाई रखें? पत्नी, नहीं चाहिए। पति, क्यों? पत्नी, तुम्हारी आदतें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, भूल गए? पहले मैं भी बाई ही थी। भारतीय नारी आज बहुत टेंशन में है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। मंगलसूत्र पहनो तो चोरों की नज़र, और ना पहनो तो छोरों की नज़र आती है। बच्चा मैडम से, मैडम औरतों को बच्चा कैसे होता है? मैडम ने उसके मासूमियत भरे सवाल का जवाब देते हुए बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो रात को एक परी आएगी और तुम्हारी सोई हुई बीबी की गोद में धीरे से एक बच्चा सुलाकर चली जाएगी। बच्चा, तो वो सुहागरात वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है क्या? फिर क्या, दे थप्पड़ दे थप्पड़। वाइफ शादी के फेरों के वक्त, सुनो जी, आज से आपके बिना मैं नहीं और मेरे बिना आप नहीं। शादी के 1 साल बाद, रुक जा कमीने, या तो आज तू नहीं या फिर मैं नहीं। अरे मिश्रा जी, सरकार ने गुटखा के दाम तो बढ़ा दिए हैं, अब क्या कीजिएगा? मिश्रा, अरे बाबू करना का है, आधा घंटा लेट थूकेंगे और का। लड़कियां पता नहीं इतनी टाइट जीन्स कैसे पहन लेती हैं, मैं पहनता हूँ तो उतारते समय साला कच्छा भी साथ में उतर जाता है। एक बेवकूफ़ पति अपने पत्नी से कहता है कि कभी कभी चुप भी रहा करो, मगर एक बुद्धिमान पति कहता है कि तुम्हारे लब जब खामोश रहते हैं तो चेहरा बेहद हसीन लगता है। बीबी बाथरूम से नहाकर बाहर निकली तो पति उसे घूर रहा था। पत्नी रोमांटिक होकर बोली, क्या इरादा है? पति उठा और बोला, तुमने मेरे गर्म पानी से क्यों नहाई? मैडम पप्पू से, गंगा यमुना कावेरी कृष्णा गोदावरी भीमा, ये भारत की नदियां हैं तो पाकिस्तान की नदियों का नाम बताओ। पप्पू, रुखसाना, फरजाना, रिजवाना, हसीना। मैडम ने यह सुनकर नदी में कूद कर जान दे दी। उधर आप मजबूर बैठे हैं, इधर हम खामोश बैठे हैं, बात हो तो कैसे जब दोनों तरफ दो कंजूस बैठे हैं।